हेलो गाइज, आई एम फ्रॉम गवग्रास मैथ्स। टुडे आई शैल एक्सप्लेन एंड डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन। वेरियस टाइप ऑफ पर्सन्स ऑन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल डिफाइन व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। हियर आई शैल राइट पर्सनल प्रोनाउन। What is pronoun? How we shall learn about personal pronoun? Let us consider. I shall take an example of a sentence. That sentence is a complex sentence. Here I shall write, we can say that, हम कह सकते हैं। Let us take a sentence I am going to write here. Hari is absent. Hari is absent, comma, because Hari is ill. This is a complex sentence. Sentence means what? Hari is absent, Hari anupasthit, because kyunki हरी बीमार है। दिस डजंट, हियर यू कैन सी एट फर्स्ट टाइम हरी हैज कम, सेकेंड टाइम आल्सो हरी हैज कम। हरी बीमार है क्योंकि हरी अनुपस्थित है, हरी अब्सेंट है क्योंकि हरी बीमार है। ट्वाइस हरी हैज कम, तो इट सीम टू बी ओल्ड सेंटेंस। हरी हरी बार बार हरी हरी का हो गया, डेट इज ओल्ड सेंटेंस। हरी एब्सेंट, हरी अनुपस्थित है, हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है। तो बार बार हरी कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम हरी विल बी, सेकेंड टाइम इन स्टेड ऑफ हरी वी शैल यूज ए वर्ड, that word we known as a pronoun. Very simple. Okay. So here I shall write, but it is better. It is better to avoid repetition. Repetition of the noun hari. इसका मतलब क्या? But it is better, लेकिन यह अच्छा है, to avoid repetition of the noun hari. हरी noun जो बार बार आया है, दो times आया है, हरी जो noun है इसको repetition मैंने बार बार पुनरावृत्ति करना, तो बार बार जो हरी आया है इसको अवॉइड करना है, हटा देना है। तो व्हाट विल डू नेक्स्ट? नेक्स्ट आई शैल राइट, हियर अगेन ए वर्ड that is thus used instead of the
noun Hari. A word that teach does use instead of the noun Hari. Noun Hari, संज्ञा हरी के बदले में एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा. क्यों किया जाएगा? क्योंकि हरी दो बार आया है, यहाँ भी हरी आया है, यहाँ भी. तो हरी जो नाउन है उसका बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए ये अच्छा है कि उसके बदले में फर्स्ट टाइम तो हरी आएगा ही, लेकिन सेकेंड टाइम जो हरी आया है हियर, इसको हटाने के लिए हरी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसके बदले में एक वर्ड का प्रयोग करेंगे. दैट वर्ड बी नोन एज नाउन. दैट वर्ड बी नोन एज ए प्रोनाउन, नॉट नाउन, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. ए वर्ड दैट इज डस यूज इन स्टेड ऑफ द नाउन हरी. द वर्ड He means वाह. He means क्या होता है? वाह. He means वाह किसके लिए है? पुलिंग. किसके लिए है? पुलिंग. हरी क्या है? मस्कुलिन जेंडर में. हरी क्या है? मस्कुलिन जेंडर में. तो वह पुलिंग. वह क्या है? पुलिंग. तो द वर्ड ही वह पुलिंग इज द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम. क्या है? व्यक्तिवाचक सर्व नाम. द वर्ड ही वह पुलिंग इज द पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम इज यूज्ड. समझ गया? तो क्या डिफिनेशन बना? A word personal pronoun a word that is used instead of a noun, instead of a proper noun, instead of a proper noun, proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में एक वर्ड का यूज किया जाता है, वही क्या है? A word that is used instead of a proper noun. That word is known as the personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम. अभी हो गया डिफिनेशन. तो आई शैल एक्सप्लेन दिस वन वंस अगेन. पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम. इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण.
वी कैन से डैट हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि हरि इज एब्सेंट बिकॉज हरि इज इल, हरि अनुपस्थित है क्योंकि हरि बीमार है। इट इज बेटर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन हरि, यह बहुत अच्छा होगा कि जो नाउन हरि है वो बार बार आ रहा है उसको हटा दिया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए वर्ड दैट इज दस यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन हरि, नाउन हरि के बदले में एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, द वर्ड ही। ही क्या है, पुलिंग है। ही क्या है, ही मीन्स वह, पुलिंग में है। द वर्ड ही वह पुलिंग इज द पर्सनल प्रोनाउन इजिप्ट, वह का प्रयोग करो। पर्सनल प्रोनाउन ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर नाउन, दैट वर्ड इज नोन एज द पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरी बार बार हरी आएगा, बार बार एक सेंटेंस में आएगा, तो एक बार हरी लिख दो, उसके बाद हरी के बदले में एक वर्ड का यूज करो। जो वर्ड का यूज करोगे वही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हरी क्या है, हरी व्यक्ति है, आदमी है, मास्कुलिन जेंडर में आता है। हरी किस में आता है, मास्कुलिन जेंडर। तो हरी के बदले में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वह पर्सनल प्रोनाउन ही होगा, ही मीन्स वह। फर्स्ट टाइम हरी लिखा जाएगा, सेकंड टाइम हरी के बदले में पर्सनल प्रोनाउन वह का प्रयोग किया जाता है, वह क्या है, मास्कुलिन जेंडर। तो हम इसको लिख सकते हैं, हरी इज अब्सेंट, हरी इज अब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ये सुंदर है, देखो हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है, और यह कह रहे हैं कि हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। कौन बेटर है, सेकंड वाला, क्योंकि हरी है। हाँ, इसमें हरी क्या है, ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, हरी क्या है, प्रॉपर नाउन है। इस वाक्य में हरी क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह ही जो है हरी के बदले में ही का प्रयोग किया जाए गया है, और ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है और मास्कुलिन जेंडर है। दोनों में से कौन सा अच्छा है, यह वह अच्छा है या यह सेंटेंस अच्छा है, विच वन इज बेटर। हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है, हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, सेकंड वाला बेटर है। तो यह जो है ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही जो है, ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन है और मास्कुलिन जेंडर में, किसमें है, मास्कुलिन जेंडर में। जेंडर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जेंडर, तो ही पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम और मास्कुलिन जेंडर में। समझ में आया। नाउ आई शैल टेक, अब देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह हम लिखेंगे आई, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। उसके बाद लिखेंगे वी, वी मीन्स हम, वी मीन्स हम लोग, वी मीन्स हम लोग, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, आई कैपिटल आई, आई मीन्स मैं,
डब्ल्यू ई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल ई, वी मैंने हम लोग, यू यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम लोग, यू मीन्स तुम लोग या तुम, दोनों होता है, क्या होता है तुम। उसके बाद क्या आएगा दाऊ, दाऊ मीन्स क्या होता है, दाऊ मीन्स तू, दाऊ मीन्स तू, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम लोग, तुम और या हम भी होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम भी होता है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग और हम, दोनों होता है, यू मीन्स तुम लोग, तुम होता है, दाऊ मीन्स तू, ही मीन्स वह, ही मीन्स क्या होगा, वह किसमें है, पुलिंग के लिए, किसके लिए है, पुलिंग के लिए है। सी होता है, सी मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए होगा, औरत के लिए, लड़की के लिए स्त्रीलिंग। ही मीन्स वह पुलिंग है, सी वह स्त्रीलिंग है। ईट, ईट मीन्स यह, निर्जीव के लिए, किसके लिए होता है, निर्जीव के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए, किसके लिए होता है, न्यूट्रल जेंडर। और आगे होता है दे, दे मैंने वे, वे सब, दे मैंने वे सब, इतने प्रोनाउन। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम लोग या तुम, दाऊ मीन्स टू, ही मीन्स वह पुलिंग, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग, इट मीन्स यह निर्जीव के लिए होता है, दे मीन्स वे सब, आर पर्सनल प्रोनाउंस, आर प्रोनाउंस व्यक्ति वाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, समझ में आया, ये होता है। अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, क्या लिखेंगे हम यहां पे, हेडिंग फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अब हम आगे लिखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के फॉर्म कौन कौन होते हैं, तीन केसेस आते हैं, ये जो तीन केसेस आती हैं, पहला क्या आता है, पहला आता है द पर्सन स्पीकिंग, क्या आएगा पहला, पहला फॉर्म आएगा द पर्सन स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग, इसमें देखो द पर्सन स्पीकिंग, हिंदी में पर्सन मैंने व्यक्ति, स्पीकिंग मैंने बोल रहा है, तो पर्सन स्पीकिंग व्यक्ति बोल रहा है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, कौन कौन प्रोनाउन करेंगे, आई और वी, ये दो लोग ही बोलेंगे, आई माने मैं, पर्सन स्पीकिंग मैं एज ए प्राइवेट ऑनलाइन मैं टीचर वर्किंग हियर गिविंग ऑनलाइन क्लास, तो
पर्सन, आई एम पर्सन स्पीकिंग, क्या हुआ मैं, तो आई आ गया, एक है। जब बहुत सारे लोग होंगे जो स्पीकिंग कर रहे होंगे क्या आ जाएगा, तो पर्सन स्पीकिंग व्यक्ति बोल रहा है, इसके अंदर कौन आएगा, आई बोलेगा और यू बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोल रहा होगा, कौन बोलेगा, मैं बोलेंगे या हम लोग बोलेंगे। दूसरा क्या आएगा, द पर्सन spoken to, the person spoken to, ध्यान समझो, person spoken to, व्यक्ति जिससे बोला गया है, क्या आएगा इसके अंदर, जैसे मैं हूँ या हम लोग हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, हम बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं, दीवार से तो बोलेंगे नहीं, पंखा से बोलेंगे नहीं, लाइट बिजली से बोलेंगे नहीं, तो कोई पर्सन होगा जिसे हम स्पोकन टू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैं तुम, तो इसमें हो जाएगा यू अदाउ, यू मीन्स तुम, अदाउ मैंने टू, समझ में आया, पर्सन स्पीकिंग मैं हूँ या हम लोग हैं, तो आई मैंने मैं बोल रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं, तो आई भी पर्सन स्पीकिंग हो गया, पर्सन स्पोकन टू, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति होगा जिससे हम बोलेंगे, तो क्या होगा, मैं हो गया, तुम हो गई, तो यू हो गई, अदा हो गई, यू मैंने तुम, दाव मैंने तुम, समझ में आया। थर्ड वन विल बी द पर्सन स्पोकन ऑफ, पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन स्पोकन ऑफ, मैं या हम लोग बोल रहे हैं, आई भी वहां पर है, तुम, तू, पर्सन स्पोकन तुमसे बोल, लेकिन क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन उधर बाहर है, बरामदा में है या उस रूम में है, तो उसके बारे में, जो उस रूम में है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगी, वह ही होगा, यसी होगा या दे होगा, यही लोग होंगे ना, जैसे मैं हूँ या हम लोग हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आई भी जो है स्पीकिंग में आ गया, आई भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग बोल रहे हैं, तो पर्सन स्पीकिंग हो गया, वहाँ पर तुम बैठी है, पर्सन स्पोकन टू, तुम बैठी है या तू बैठी है, तो तुमसे बोला गया है, लेकिन पर्सन स्पोकन बाहर बरामदा में व्यक्ति बैठा है, तो उसके बारे में, बाहर जो बरामदा में बैठा है उसके बारे में हम बोले, तो वो क्या होगा, ये वह हो गया कि नहीं, तो वह या तो ही होगा जो मास्कुलिन जेंडर में होगा, सी होगा तो ये फेमिनिन जेंडर में होगा, वे सब होगा तो बहुत सारे प्लूरल में हो जाएंगे, समझ में आया, तो ये देयर आर थ्री फॉर्म्स अवेलेबल फॉर द पर्सनल प्रोनाउंस, क्लियर, इसको ध्यान में देना। अब हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आगे क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, याद करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा या तो मास्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, दोनों में से कोई होगा, मास्कुलिन होगा और फेमिनिन होगा, अंडरलाइन कर दो,
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट बने जानती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन द पर्सन स्पीकिंग आई वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए आई वी, द पर्सन स्पीकिंग आई वी विल बी द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई मास्कुलिन में भी हो सकता है या फेमिनिन में भी हो सकता है, वी मास्कुलिन में भी हो सकता है या फेमिनिन में भी हो सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, या हम लिखेंगे केस, पहला क्या हो गया केस, दूसरा हम टेबल बनाएंगे सिंगुलर, अगला बनाएंगे क्या है प्लूरल, प्लूरल। तो केस के बारे में समझो, यहां केस के बारे में ध्यान दो, अबाउट द केस वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द केस। पहला केस नॉमिनेटिव केस, पहला केस क्या है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का हमने बताया था, क्या बताया था नॉमिनेटिव केस का, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस क्या है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे कर्ता कारक में, सिंगुलर में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, सिंगुलर में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, अब प्लूरल में क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। आई माने मैं, तो मैं अकेले बोलू एक ही है तो आई का प्रयोग करेंगे, अब प्लूरल माने वी सब हम लोग, तो प्लूरल हुआ बहुवचन हुआ, और किसमें है आई वी नॉमिनेटिव केस में। अब आगे देखो नॉमिनेटिव केस का हो गया, उसके बाद नॉमिनेटिव केस के बाद क्या है पोजेसिव केस, पोजेसिव केस के बारे में सुनो, आई वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई वी आर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। पोजेसिव केस में आई के बदले में क्या प्रयोग करेंगे माई, और क्या करेंगे माई, माई मैने मेरा, माइन मैने मेरा, ये दोनों है माई बुक भाई, माई बुक माई पेन, पोजीशन बता रहे कि नहीं, माई मैने माई बुक मेरा किताब, तो किताब का जो पोजीशन बता रहा है किसका है मेरा है, इसीलिए माई क्या है पोजीशन केस में, और माइन भी क्या है पोजीशन केस, माइन मीन मेरा और माई मैने मेरा, ये जो है माइन जो है अमाई, तो माई जो है माई भी प्रोनाउन है और माइन भी प्रोनाउन है, माई यहां पे एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और यहां पर माइन प्रोनाउन के रूप में काम करता है, अबाउट विच आई शैल डिस्कस लेटर ऑन, टिल नाउ ऑनली नो माई माइन विल बी इन पोजेसिव केस, माई मने मेरा माइन मने मेरा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है, दिस इज माई बुक, दोनों से माई माइन से पोजेशन का बदलू आते, माई माइन से पोजेशन का संकेत मिलता, खुशबू आती है, नॉट बटबू खुशबू आती है, माई माइंड से पोजेशन का खुशबू आती है। तो उसके बारे में हम डिस्कस किया, पोजेशन बताता है माई मने मेरा, माइंड मने मेरा, ये दोनों वर्ड माई माइंड क्या बता रहा है पोजेशन बता रहा है, और प्लूरल में हम क्या देखेंगे इसके, प्लूरल में वी का प्लूरल होता है आवर, पोजेसिव केस में और आवर क्या होते हैं और याद है, और मैंने हमेरा हमारा, और मैंने और मैंने हमारा,
वी के बदले में, जहां वी आएगा प्लुरल, जहां वी आएगा प्लुरल, तो वी विल बी इन द नॉमिनेटिव केस। लेकिन वी का पोजेसिव केस में क्या होंगे प्रोनाउंस? आवर होंगे, आवर्स होंगे। इसको ध्यान देने वाली बात। नेक्स्ट वन इज एक्विजिटी केस। तो हियर आई शैल राइट एक्विजिटिव केस। एक्विजिटिव केस मीन्स कर्म कारक। कर्म क्या होगा आई का? आई का कर्म मी होता है। मी माने मुझे, मी माने क्या होता है? मुझे। और इसमें केवल होता है अस। इसमें क्या हो जाता है? अस। क्या होता है? अस। एक्विजिटी केस मीन्स ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, एक्विजिटी केस या ऑब्जेक्टिव केस इज द सेम। एक्विजिटी केस मीन्स कर्म कारक। आई का आई सिमिलर है, इसका कर्म कारक में मी होगा। वी प्लुरल है, इसका कर्म कारक में अस होगा। आई माने मुझको या मुझे, अस माने हमें। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के टूल्स है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के क्या है? ये टूल्स है। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम बक्सा में डालते हैं। समझ में आया? अब हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हम लेंगे। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन भी मास्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। तो सेम इस तरह के बनाएंगे हम टेबल यहाँ पे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हियर आई शैल राइट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इसमें मास्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा? क्या होगा? हाँ, मास्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, दिस इज नॉट पर्सन, दिस इज पर्सन, पर्सनल। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मास्कुलिन या फेमिनिन, उसी तरह से क्या होगा? उसी तरह से केस होगा, सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा। तो यह राइट केस। केस में क्या होगा? केस यहाँ दे दो, सिंगुलर प्लुरल यहाँ दे दो। तो केस में पहला क्या आ जाएगा बताओ? फर्स्ट केस इज नॉमिनेटिव केस, कर्ता का। यहाँ नॉमिनेटिव केस डाल, नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पर सिमिलर, यहाँ पर लिख दो प्लुरल। केस नॉमिनेटिव केस, सिंगुलर प्लुरल। आई एम डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, मास्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, वो तो दोनों में से कोई एक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम आउट टू नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक, सिंगुलर सेकेंड पर्सन। तो क्या आ जाएगा? ये सिंगुलर में डाउ आता है। क्या आता है? डाउ। डाउ मीन्स तू, डाउ मीन्स क्या होता है? तू। प्लुरल में आता है यू। प्लुरल में क्या आ जाएगा? यू। यू माने तुम या तुम, सही है। नॉमिनेटिव केस में दाउ सिंगुलर में है तू, प्लुरल यू। ये नाउ नाउ अडेज
Dao has been abolished. Instead of Dao, you has been taken as singular plural. You जो है singular में भी आ रहा है, plural में भी nowadays आजकल आ रहा है. ये Dao को abolish कर दिया गया. Again we shall learn about possessive case. What is possessive case? Possessive, संबंध कारक. Possessive case means संबंध कारक. Dao है singular में है nominative case में. तो Dao के बदले में क्या देंगे हम? Possessive case है. दाई दो यहाँ पर क्या देंगे? दाई THY या दाइन दे दो. दाई THY THY दाई माने तेरा, डाइन माने तेरा. दाई डाइन आर इन पॉजिटिव केस सिंगुलर. प्लुरल में क्या होगा? यू का योर होगा या योर्स होगा. क्या होगा? योर्स होगा. लिखते हैं ना योर्स टेटफुली, वही चीज है. योर होगा या योर्स होगा. पॉजिटिव केस हो गया. नेक्स्ट केस विल बी द एक्यूजेटिव केस. क्या है ये? एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव केस. नेक्स्ट केस इज एक्यूजेटिव केस. दाउ दाउ का एक्यूजेटिव केस होगा दी. याद रखना पड़ेगा THEE दी हो गया. और यू का एक्यूजेटिव केस यू. यू का प्रयोग वाई ओ यू नॉमिनेटिव केस में भी करते हैं और वाई ओ यू यू का प्रयोग एक्यूजेटिव केस में भी करते हैं. यू माने तुम और यू मीन्स तुम्हें. और यू का जो है पॉजिटिव केस में योर, योर पेन या दिस पेन इज योर्स. दिस पेन इज योर्स. This pen is yours. यह कलम आपकी. This is your pen. दोनों से this is your pen. Your pen तुम्हारा pen possession बता रहा है. This pen is yours. इसे भी possession. यह pen तुम्हारा है तो possession बता रहा है. That's why your or yours are there in possessive case. तो दिस इज द केस. पर्सन आई हैव डिस्कस्ड. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. शैल आई रिपीट वंस अगेन? नॉट रिक्वायर्ड. द हियर इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन अबाउट पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन ऑन इंग्लिश ग्रामर. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मास्कुलिन और जेंडर. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मास्कुलिन और जेंडर. थर्ड पर्सन प्रोनाउन इज आल्सो अवेलेबल अबाउट विच आई शैल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो. हियर आई हैव डिस्कस्ड हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. ट्वाइस हरी हैज कम. ट्वाइस द हरी हैज अपीयर्ड इन द सेंटेंस. दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द हरी. हरी जो वर्ड है नाउन है बार बार आ रहा है, दो बार आया है तो फर्स्ट टाइम तो आएगा ही हरी. सेकंड टाइम ना आए उसके लिए हम एक वर्ड का प्रयोग करेंगे हरी के बदले में. हरी प्रॉपर नाउन है तो हरी के बदले में एक वर्ड का प्रयोग करेंगे. वही वर्ड क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. यहाँ पर हमने ही लिया है हरी आदमी है तो उसके लिए हरी लड़का है या आदमी है तो हमने पुलिंग लिया है मास्कुलिन जेंडर में और ही का यूज किया. ही मीन्स हुआ तो ही वह पुलिंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे. ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. पर्सनल प्रोनाउन ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर नाउन. दैट वर्ड इज नोन एज द पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्तिवाचक सर्वनाम
ही है जो मास्कुलिन जेंडर में है. हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी ही इज इल. हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल. हरी पर्सनल प्रोनाउन है मास्कुलिन जेंडर में. या देखो हरी दो बार आया, हरी हरी, तो फर्स्ट टाइम हरी आएगा, लेकिन सेकंड टाइम हरी के बदले में हमने क्या यूज किया है, ही कर दिया. तो ये सेंटेंस इज लुकिंग वेरी नाइस. हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी वह बीमार है. हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है. और यह हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है. तो हरी हरी दो बार नाम ले रहे हैं, तो एक बार हरी हमने लिया, दूसरे बार हरी के लिए ही का प्रयोग कर दिया. तो हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो ही इज ए पर्सनल प्रोनाउन डेट इज इन मास्कुलिन जेंडर. आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग हम, यू मीन्स तुम लोग, कामा तुम, डाउ मीन्स तू, ही मीन्स वह पुलिंग में, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग में, इट यह निर्जीव, दे वे सब आर पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक से बना. हियर फॉर्म्स आर पर्सनल प्रोनाउन आई है भी, द पर्सन स्पीकिंग जो व्यक्ति बोल रहा है, आई वी यही लोग बोलेंगे. जिस व्यक्ति से बोला गया है कौन कौन, तू तुम या तू, तुम चढ़ाता तुम. द पर्सन स्पोकन आर जिसके बारे में बोला गया है वो क्या है, ही सी दे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मास्कुलिन फेमिनिन केस नॉमिनेटिव केस सिंगुलर आई प्लूरल वी पोजेसिव केस माई माई प्लूरल आवर आवर्स एक्यूजेटिव केस मी अस. हियर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन मास्कुलिन और फेमिनिन केस नॉमिनेटिव केस सिंगुलर दाउ प्लूरल यू पोजेसिव केस दाई दाइन योर योर्स एक्यूजेटिव केस दी यू. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आई हैव डिस्कस्ड इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई शैल डिस्कस अबाउट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन. टिल नाउ ओके गाइस.